मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे जिले के 18 सीटों पर 300 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किया था, जिसमें 38 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए हैं। अगर बात करें मुंब्रा कलवा विधानसभा की तो 23 उम्मीदवारों में से 7 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए हैं। जिन उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हुए हैं उनमें से आदिल खान आजमी समाजवादी पार्टी से थे जिनका नामांकन रद्द हो गया, जावेद बरकतुल्ला शेख अपक्ष से थे इनका भी नामांकन रद्द हो गया है, सरवण उद्धव पाटिल महाराष्ट्र क्रांति सेना से इनका भी नामांकन रद्द हो गया है, समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक से फिरोज अन्ने खान इनका भी नामांकन रद्द हो गया है, वंचित बहुजन से जयंत मारुति का भी नामांकन रद्द हुआ है, साजिद अंसारी इकबाल रहमान मुलानी इन लोगों ने भी अपक्ष से नामांकन पर्चा भरा था लेकिन इनके भी नामांकन रद्द हो गई है। 23 उम्मीदवारों में से 7 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए हैं। अब 16 उम्मीदवार बचे हैं और नामांकन वापस लेने की तारीख 7 अक्टूबर है, जो नामांकन वापस ले सकते हैं। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद ये लोग बड़े खुश थे लेकिन जैसे ही 7 लोगों के नामांकन रद्द होने की खबर सामने आई इनके चेहरे पर मायूसी छा गई। 7 लोगों के नामांकन रद्द होने के अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।